पीएम मोदी को देश की सत्ता संभाले 8 साल हो चुके हैं। इन सालों में पीएम मोदी के हर नारे और वादे सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। कांग्रेस ने गरीब परिवारों और सेना को दी जाने वाली दालों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के कारण केंद्र सरकार को 4600 करोड़ रुपए की चपत लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दाल के खेल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने 2018 में दालों की दलाई के लिए पुरानी टेंडर प्रक्रिया को बदलते हुए नई टेंडर प्रक्रिया जारी की, जिसके कारण ये घोटाला हुआ, जबकि केंद्र सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात से इनकार कर रही है। सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नाफेड ने दालों की दलाई और उनकी पॉलिशिंग के लिए दाल मिलों के साथ जो करार किया, उसकी प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी हुई। कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे खेल में 4600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सिंघवी ने कहा कि पुरानी प्रक्रिया में नाफेड साबुत दलहन को खरीद कर दाल मिलों से उनकी दलाई, पॉलिशिंग और ढुलाई आदि की प्रक्रिया पूरी करता है। 2018 से पहले सरकार इस काम के लिए दाल मिलों को पैसा देती थी। इस काम के लिए सबसे कम पैसे की बोली लगाने वालों को ठेका दिया जाता था। नीलामी की इस प्रक्रिया को फ्लोर रेट या लोअर रेट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस का कहना है कि इस सिस्टम में खामी ये है कि इसमें कोई लोअर लिमिट नहीं रखी गई, यानी सरकार ने ये बंदिश नहीं लगाई कि न्यूनतम इतने किलो से कम बोली नहीं लगाई जा सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि नई प्रक्रिया के बाद छोटी दाल मिलों के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की गुंजाइश ही नहीं बची। केवल बड़ी कंपनियां ही इसमें बोली लगा सकती थी और बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर कम से कम दाल लौटाने की मात्रा तय करती हैं और बाकी बचा हुआ माल खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग और भारत सरकार की एक स्वायत्त रिसर्च एजेंसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC ने इस प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया है। हालांकि इन आरोपों के बारे में सरकार कुछ भी कहने से बच रही है, यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली।